तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन बहुत बहुत हार्दिक स्वागत साथियों कई बार बल्कि ये कहें कि अक्सर ऐसा होता है कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है हम प्रयास यही करते हैं कि अपनी तरफ से कोई गलती ना करें किसी प्रॉब्लम को अपनी तरफ से आमंत्रित ना करें लेकिन ना चाहते हुए भी अवांछित तरीके से बिन बुलाए मेहमान की तरह जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने खड़ी हो जाती है और जब जीवन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें हो जाता है तो समस्याओं से लड़ने का जो जुझारूपन है उसको तो हम पैदा कर लेते हैं लेकिन कई बार जीवन में ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसी समस्या हमारे मुंह बाएं खड़ी हो जाती है या हमारे सम्मुख खड़ी हो जाती है कि हमें उसका तुरंत कोई भी उपचार कोई भी समाधान नजर नहीं आता लगता है कि ये जो धरती है ये अभी फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। जिसको हम कहते हैं कि पैरों के नीचे से जमीन का खिसक जाना एक बात जो कि आपको याद होना चाहिए कंठस्थ होगी भी कि संकट मिटे हरे सब पीरा जपे निरंतर हनुमत बीरा पवन के पुत्र स्वयं भगवान शंकर रुद्र के अवतार जिनको संकट मोचक कहा गया है संकट मोचक की पदवी उनको प्राप्त है तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब कितना भी कठोर संकट हमारे समक्ष आ जाए कुछ भी जब संकट आता है तब व्यक्ति का जो दिमाग है जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है या करती भी है तो वो गलत ढंग से करती है बाद में जाकर के पछताना पड़ता है आप आज जीवन में ये गांठ बांध लीजिए कि पहली बात तो ऐसी कोई संकट की स्थिति आपके ना आए हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से लेकिन यदि कभी भी इस प्रकार के आकस्मिक संकट की स्थिति आपके साथ में आती है आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो आज का ये जो मंत्र है संकट मोचन का मंत्र है आज की ये जो साधना है ये रहस्यमयी हनुमान साधना है इसका जो चमत्कारिक पक्ष है वो इतना अद्भुत है साथियों कि एक घंटे के समय अवधि के अंदर अंदर जी हां मैं पुनः इसको जानबूझकर रिपीट कर रहा हूं कि 60 मिनट अर्थात तो एक घंटे की समय अवधि के अंदर अंदर वो संकट समाप्त हो जाएगा आपको राह मिल जाएगी आप राहत की सांस जरूर लेंगे तो जब कभी भी तो इसके लिए कोई दिन तो निर्धारित है नहीं और ये ना हमेशा या नियमित रूप से करने वाली है ये आपदा के समय करने वाली साधना है और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए एक मूंगे की माला आपके पास में होनी चाहिए वो भी यदि प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा तो जब भी आपको लगता है कि अब मेरे पास इस समस्या का कोई इलाज नहीं है मुझे सरेंडर ही करना है आप अपने घर के या कहीं भी जहां पर भी हैं आप किसी ऐसे स्थान पर आ जाएं जहां पर आप एक थोड़ी शांति से बैठ करके मंत्र और माला जो है एक सौ आठ बार उसका जाप कर सके क्योंकि एक सौ आठ बार इसका जाप जो है वो करना नितांत आवश्यक है मौन रहना है और यदि आप इसको दिन में कर रहे हैं प्रातः काल की स्थिति में कर रहे हैं तो भगवान हनुमान का जो चित्र है वो आपके पास होना चाहिए और गुड़ उनको आपको समर्पित करना है और एक दीपक जो कि पांच बत्तियों का हो वो आपको चाहिए और यही आप यदि संध्या काल में कर रहे हैं रात्रि काल में कर रहे हैं तो चूरमे का प्रसाद आपको महावीर हनुमान जी को समर्पित करना है और वही पांच बत्ती का जो दिया है वो चलाना है जो सर्वाधिक चमत्कारिक पक्ष है वो इस रहस्यमई साधना का वो है ये मंत्र जो कि मैं अभी आपको उच्चारित करके बतलाने जा रहा हूं आप दाम पहनतारम दाताराम सर्व संपदाम लोक भी रामम श्री रामम भूयो भूयो में हम साथियों मंत्र है और इसका आपको करना है मानस जाप एक होता है जब आप उच्चारण करते हैं और सभी लोग उसको सुनते हैं ज्यादातर लोग इसी प्रकार का जाप करते हैं एक होता है जिसमें आप केवल गुन गुनाते हैं उपांशु जाप उसको कहते हैं और जब आप मानसिक जाप करते हैं मतलब कोई भी उसको सुन नहीं रहा है केवल आप उसका जाप कर रहे हैं तो मानसिक जाप आपको इस मंत्र का 108 बार किसी भी गंभीर घनघोर संकट के समय करना है और ये गारंटीड आपको यहां पर आज इस मंच के माध्यम से मैं बतलाने जा रहा हूं कि साठ मिनट केवल एक घंटे मात्र में आपको समाधान मिल जाए तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि ये हर एक संकट में आपके साथ में साधना जो है यह बनी रहेगी आप इसका लाभ जरूर लेंगे और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी जरूर पहुंचाएंगे तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें नमस्कार